गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, आप सभी का टाइनी टॉट्स पब्लिक स्कूल के डिजिटल मंच पर स्वागत है। मैं प्रियंका जैन, आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हमने पिछली क्लासेज में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, आज हम लोग थर्ड चैप्टर रीड करेंगे। आपका थर्ड चैप्टर कौन सा है? अपनी वस्तु। ये एक कहानी के रूप में है। देखिए, पहले पाठ का परिचय एक बार देख लीजिए। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने आपसी प्रेम व भाईचारे के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? आपसी प्रेम व भाईचारे के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक महात्मा किस प्रकार दो भाइयों के झगड़े को शांति व संयम से दूर करके उन्हें प्रेम से साथ में रहने का सबक सिखाते हैं। महात्मा एक होते हैं, वो क्या करते हैं, दो भाई एक झगड़ा कर रहे होते हैं, उनको शांति व संयम से उनका जो झगड़ा है उनको शांत करके उनके प्रेम के साथ रहना सिखाते हैं। उन्हें अपनेपन, प्रेम, अच्छे कर्म करने का महत्व भी समझाया है। ठीक है, यह आपका पाठ का परिचय था। अब हम लोग पाठ की रीडिंग करेंगे। अब देखिए, आप पृष्ठ पेरा देखिए इसका। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बता रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। अब एक क्या है, महात्मा जी कहीं पर जा रहे थे, साधु महात्मा थे, वो कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा कि दो भाई थे, आपस में क्या है, ऊंची आवाज़ में बात बोल रहे थे, एक दूसरे से मतलब लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तो ऊंची आवाज़ हो जाती है, तो वो दोनों क्या है, हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई दे रहे थे। उद्यत यानी मतलब एक दूसरे को प्राण, उसके एक दूसरे की जान लेने के लिए भी उतारू थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी है, मतलब एक भूमि थी उसके लिए वो झगड़ा कर रहे थे कि ये भूमि मेरी है। दूसरा भाई कहता था ये मेरी भूमि है, मैं इसका स्वामी हूँ। दोनों ही उस भूमि पर क्या है, अपना अपना स्वामित्व बता रहे थे, यानी वो स्वामित्व यानी उनकी खुद की भूमि है। ठीक है, उनकी संपत्ति है, वो उनकी भूमि है, इसलिए दोनों ही क्रोध से क्या है, लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलील लेते। दोनों ही क्या है, अपने अपने बारे में बोल रहे थे कि ये मेरी है, वो बोला मेरी है। दोनों इस बात पर बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे थे, ऊँची आवाज़ में एक दूसरे के प्राण लेने के लिए भी उतारू हो गए थे। सत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, अतः उन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोली, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? अब यहाँ पे क्या है, वो संत महात्मा तो क्या है, स्वभाव से दयालु होते हैं, परोपकारी, दूसरों परोपकारी यानी दूसरों की भलाई करने वाले होते हैं, दयालु होते हैं। ठीक है, और वो सदैव यह सबका भला ही करते हैं, भला ही चाहते हैं। और उन्होंने अपने मन ही मन विचार किया कि इन दो जो दोनों लड़ाई झगड़ा करके अपने प्राण जो गंवाने पर तुले हुए, व्यर्थ में अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, तो इन्हें क्या है, समझा बुझाकर शांत करके इनके बीच में समझौता करवा दिया जाए, इनको अपनी अपनी भूमि मिलवा दी जाए। ठीक है, तो यह सोचकर क्या है, वे उनके निकट गए और उन्होंने संबोधित करते हुए बोला, उन्होंने संबोधित यानी उनको बोला, उनको उनके जो है, हे भद्र पुरुषो यानी हे अच्छे भद्र यानी अच्छे पुरुषो, तुम लोग कौन हो, तुम कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कारण पूछा, तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? फिर देखिए आगे, महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं, हमारे पिता ने मरते समय संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यह भूमि उसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ।
या झूठ मूठी इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। अब वो क्या कह रहा है, महात्मा जी को देखकर एक जो व्यक्ति था, यानी भाई दोनों भाई में से एक कोई बोला कि महात्मा जी हम दोनों हैं, एक दो हम दोनों क्या है भाई है, और हम लोगों की जो ये भूमि है, हमारे पिता ने क्या है ये भूमि मरते समय क्या है हमारा जो संपत्ति का बंटवारा किया था उसके अनुसार क्या है मैं इस भूमि का मालिक बन गया हूँ। ठीक है, इस भूमि का क्या है मैं मालिक बन गया हूँ, लेकिन फिर भी यह व्यर्थ में मेरे से झगड़ा कर रहा है कि ये भूमि जो है वो मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ, इसके ऐसे में वो भूमि आती ही नहीं है, इससे में मेरे आती है। जितने में क्या है दूसरा जो उसका भाई था, दूसरा भाई था वो चिल्लाने उठा, चिल्ला कर बोला कि ये तो मेरी भूमि है, ये झूठ बोल रहा है, इसके ऐसे में वो आते नहीं है, ये इसका असली मालिक तो मैं हूँ, और अपनी झूठ मूठ में ये अपनी बतलाकर मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। तो महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो उससे ही ये बात पूछ लो, उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है, वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। अब महात्मा जी ने क्या है शांत भाव से फरमाया, यानी शांति से उनको कहा कि तुम लोग क्या है दोनों ही इस भूमि को अपना अपना कह रहे हो, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे हो, दोनों अपने अपने पक्ष में दलील दे रहे थे वो कि ये मेरी भूमि है, ये मेरे विषय में आती है, मेरे पिता ने मेरे को ये भूमि दी थी, तो दोनों अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे, तो इससे अच्छा तो तुम ऐसे तो क्या है निर्णय कभी नहीं होगा, तुम लोग लड़ाई झगड़ा करते रहोगे, तो इससे अच्छा है कि जो भूमि है उसी से पूछ लिया जाए कि वो किसकी भूमि है, उसका मालिक कौन है। ठीक है, और वो स्वयं इस बात का निर्णय भी कर ले कि मेरा मालिक ये है। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले किंतु यह कैसे संभव है, भूमि भी कभी बोलती हैं। अब कुछ समय तक तो क्या है पल यानी कुछ क्षण तक, कुछ समय तक क्या है वो दोनों भाई चुपचाप खड़े रहे, फिर वो महात्मा जी से बोले क्या ऐसा संभव है, ऐसा कभी संभव नहीं है कि भूमि तो कभी बोलती भी नहीं है, तो ये कैसे संभव हो सकता है, भूमि कैसे बताएगी कि उसका मालिक कौन है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलते हैं, परंतु इसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं, किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा। अब महात्मा जी ने क्या कहा जब उन्होंने पूछा कि यह तो संभव ही नहीं है, भूमि तो बोल भी नहीं सकती, तो महात्मा जी ने उत्तर दिया, लेकिन हाँ वो अवश्य उत्तर देगी, मेरे तुम लोग पूछोगे तो नहीं देगी, मैं पूछूंगा तो मुझे मैं उसकी आवाज़ को सुन सकता हूँ, तुम लोग उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, इसलिए मैं पूछूंगा तो मुझे वो बता दे कि इसका जो भूमि है उसका मालिक कौन है, लेकिन एक बात ये तो बताओ कि तुम लोग उस जो भूमि निर्णय करेगी वो उसे मानोगे तो सही, या ऐसे नहीं कि भूमि ने निर्णय कर लेगी उसके तो ऐसे नहीं मानोगे तो फिर करने का मतलब ही नहीं है। उन्होंने पूछा कि तुम दोनों को माने तो होगा तो मानोगे तो उतना। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए, तब महात्मा जी बोले मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। अब दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए कि हाँ जो भूमि निर्णय करेगी हम उसे मान लेंगे, लेकिन जब महात्मा जी बोले कि मुझे क्या है बहुत जोरों की भूख लग रही है पहले मुझे भोजन करवाओ, वे बोले भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़े ही जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए, इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। अब देखो वो दोनों भाई क्या बोले, पहले भूमि का निर्णय कर लो फिर हम आपको अच्छे से खाना खिला देंगे, यानी पहले खाना जरूरी नहीं है, पहले उनको भूमि का निर्णय सुनना था, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि पहले भूमि का निर्णय हो जाए उसके बाद में हम आपको अच्छे तरह से खाना खिला देंगे। लेकिन महात्मा जी बोले पहले खाना खा लूँ, मन मस्तिष्क जो है वो ठिकाने आ जाए, उसके बाद में निर्णय हो जाएगा, मैं कहीं भागे थोड़े ही जा रहा हूँ, मैं कहीं जा थोड़ा ना रहा हूँ, तुम्हारा निर्णय करके थी फिर जाऊँगा, इसलिए पहले मुझे तुम भोजन करवा दो, अपने अपने घर से भोजन लेके आओ, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम भोजन लेकर आ जाओ। फिर क्या है वो महात्मा जी के एक पेड़ की छाया में वहीं पर बैठ गए। फिर देखिए दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए।
महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और वह भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनती की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब दोनों भाई अपने अपने घर गए और जो महात्मा जी साधु जी थे उनके लिए क्या है, अपने अपने घर से भोजन बनवा कर लेकर आए। और महात्मा जी ने उन दोनों को भी क्या है, क्या कहा कि तुम लोग भी बैठ जाओ। और उन्होंने भोजन के 3 हिस्से किए, 1 खुद के लिए और 2 दोनों भाइयों के लिए किए, ठीक है। और उनको भी भोजन करने का आदेश दे दिया और स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार भोजन करने में बातें करने में उनका 2-3 घंटे का समय लग गया। और इसके पीछे ये भोजन करने के पीछे क्या उनका उद्देश्य था, ताकि जो दोनों भाई हैं वो शांत हो जाए, इसके बाद में उन्हें समझा बुझाया जा सके, यानी उनको समझा सके कि ये भूमि तुम दोनों की तुम इच्छा अच्छे से कर सकते हो। तो इसलिए फिर वो दोनों और वह भी दोनों शांत हो गए। जब वो भोजन से निवृत्त हो गए यानी भोजन करके फ्री हो गए, उसके बाद में वो दोनों शांत थे। उन्होंने फिर महात्मा जी के चरणों में विनती की कि महाराज यानी महात्मा जी भूमि तो कुछ बोलने वाली है नहीं, आप ही हमारा निर्णय कर देंगे, आप जो निर्णय करेंगे वो हमें मान्य होगा। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ देर तक तो वह भूमि के साथ कान लगाए रही, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। अब महात्मा जी ने क्या कहा कि भूमि तो निर्णय तो कौन करेगी, भूमि ही करेगी। इसलिए वो अपना कान लगाकर भूमि के ऐसे कान लगाकर बैठ गए और काफ़ी देर तक बैठे रहे। फिर एकदम से अचानक से गंभीर स्वर में बोले दोनों भाइयों से कि ये भूमि तो कुछ और ही बोल रही हैं, जो तुम लोगों ने कहा है वो नहीं बोल रहे, कुछ और ही बोल रही हैं। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है। महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि दोनों व्यर्थ मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। अब दोनों भाई क्या बोले कि इस भूमि ने ऐसा क्या बोला है जो आप ऐसे बोल रहे हो। तो महात्मा ने कहा कि ये भूमि ऐसे कह रही है कि मैं, ये जो दोनों भाई है व्यर्थ ही मेरे लिए झगड़ा कर रहे हैं, मैं इन दोनों की नहीं, जो भूमि बोल रही है, भूमि कह रही है कि मैं इन दोनों की नहीं हूँ, भूमि मैं तो इन दोनों में से किसी की भी नहीं, लेकिन हाँ ये दोनों अवश्य ही मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और इनको आगे जाते हुए देखा भी है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो, जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है, जो तुम लोगों की बन जाएगी। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए, कुछ भी नहीं। वे जैसे खालिया संसार में आए थे वैसे ही खालिया संसार से चले गए। अब यहाँ पे महात्मा जी ने दोनों भाई की जब बात महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई थे वो बहुत लज्जित हुए, यानी उनको अपने पर लज्जान उनको शर्म आ गई कि हम लोग फालतू में उन जो भूमि थी उसके लिए झगड़ा कर रहे थे। और महात्मा जी के चरणों में वो गिर पड़े, उन्होंने महात्मा जी से माफ़ी मांगी, ठीक है। फिर महात्मा जी ने क्या है, लोहा गर्म देखते हुए, यहाँ पे क्या है, लोहा गर्म देकर ये मुहावरा है, चोट की, यानी उन्होंने समझाते हुए उन्हें कहा कि तुम कुछ विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में लड़ रहे हो वो आज तक किसी की नहीं बनी है, जो तुम लोगों की बन जाएगी, यानी जो भूमि है वो तुम्हारी पीढ़ियों को भी, उन्होंने कई पीढ़ियों को तुम्हारी पीढ़ियों को पाला, उन्होंने जाते हुए देखा है, लेकिन वो उनकी भी नहीं बन पाई, तो तुम लोगों की कहाँ से बन पाएगी। मनुष्य मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, पर यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। हम लोग ये कहते कि ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा है, लेकिन मनुष्य का कुछ भी नहीं है, मनुष्य का अपना कुछ भी नहीं है। जो बड़े बड़े राजा हुए, छत्रपति राजा हुए, वो भी अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गए।
वे खाली हाथ संसार में आए हैं और खाली हाथ ही संसार से गए भी हैं। ठीक है, तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है न तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति हैं, मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर हैं। जो लोग परलोक के संगी साथी हैं, शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगो, ताकि तुम्हारा लोक परलोक सवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबक साथ प्रेम सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। अब यहाँ पे जो महात्मा जी वो क्या बोलेंगे, तुम लोग इस भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए अपने प्राण गंवाने के लिए तैयार, एक दूसरे को मारने पर भी उतारू हो गए थे। यह तो भूमि न तुम्हारी है न कभी तुम्हारी हो सकती है, क्योंकि इस संसार की कोई भी वस्तु है, जैसे घर है, पैसा है, कुछ भी है, जितने भी पदार्थ है, वो कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता है। ये सब यहाँ पे जो अगर तुम्हारी कुछ वस्तु है, अपनी वस्तु है, वो क्या है, भजन भक्ति, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण और तुम्हारे अच्छे कर्म। अच्छे कर्म करोगे वो ही तुम्हारे साथ, परलोक लोक परलोक के संगीत साथी हैं, और शेष सब कुछ तो यहीं पर रह जाता है, कोई भी कुछ भी नहीं लेके जा सकता है। इसलिए तुम लोग ये जो झगड़ा कर रहे हो आपस में, वो बंद कर दो। इसलिए और जो मनुष्य मनुष्य जो हैं वो क्या है, आपस में लड़ झगड़ कर जो मनुष्य समय, जो मूल्यवान समय है, उसको नष्ट करना करता है। उसकी अपेक्षा क्या करना चाहिए, जीवन पे जीवन को क्या करना चाहिए, अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाना चाहिए, ताकि तुम्हारा लोक परलोक सवर जाए। महात्मा जी क्या कह रहे हैं कि तुम ये झगड़े करने की बजाय आप लोग क्या करो, अच्छे कर्म करो, भगवान की भक्ति करो, नाम सुमिरन करो, जिससे क्या है, तुम्हारा जो लोक परलोक है वो सवर जाएगा। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, और उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करने लगे और अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए जन्म सफल करने लगे। ठीक है, इसके जो शब्दार्थ हैं आप लोगों को करने हैं, एक बार मैं शब्दार्थ भी आपको एक बार बता देती हूँ। इसमें उद्यत यानी तैयार, उतारू होना तैयार, स्वामी, स्वामी का अर्थ मालिक, स्वामित्व, स्वामित्व का अर्थ हक या अधिकार, दलील देना यानी अपनी बात रखना, परोपकारी यानी दूसरे का भला करने वाला, दूसरों का भला करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, परोपकारी, सदैव हमेशा, संबोधित करना, कुछ कहना, भद्र पुरुष, भला आदमी, अच्छा आदमी। ठीक है, फिर दूसरे देखो शब्दार्थ, डटकर खाना, डटकर खाना क्या भरपेट खाना, मस्तिष्क, मस्तिष्क यानी दिमाग। ठीक है, अब ये वाले देखो, तत्पश्चात उसके बाद, निवृत्त होना, निपटाना, समाप्त करना। ठीक है, ये शब्दार्थ है। संपत्ति, संपत्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, धन दौलत, पैसा, मूल्यवान यानी कीमती, लोक यानी ये संसार, जो हम जिस संसार में रह रहे हैं उसको लोक भी कहा जाता है, परलोक यानी दूसरा लोक, स्वर्ग, अपेक्षा बजाय। ठीक है, ये सारे शब्दार्थ हैं, और इस चैप्टर को एक बार रीड कर देना आप लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू।